दुपट का गुजर मुझे ध्यान करना, पैरों में तकलीफ आती है घुटनों में तो एक ही तरफ ठीक है। तो यहाँ ये घुटने का फ्लूइड कम हो जाता है जिसके कारण आपस में घुटने चिपक जाते हैं और घुटने जब चिपक जाते हैं तो आपस में टकराते हैं, दर्द का कारण बनते हैं। तो ऐसे में कुछ एक्सरसाइज है, पहले दोनों पंजों को मिलाना, पंजा ऊपर करो नीचे करो ऊपर करो नीचे करो, खुद करना है नहीं, मैक्सिमम ऊपर करो, जब ऐसे लेंगे तो यहां से खिंचाव आएगा, इस जगह पर खिंचाव आएगा, हाँ इधर थोड़ी, और नीचे करेंगे तो इस एरिया में खिंचाव आएगा। ये करने के बाद एक पंजा ऊपर ऐसे, अब एक ऊपर लिया एक नीचे लिया चेंज, ये ऊपर लिया एक नीचे लिया चेंज चेंज, बारी बारी, पहले हमने दोनों ऊपर नीचे लिए थे, अब एक एक लिया, कितनी बार? कोई भी एक्सरसाइज कम से कम 10 बार करें, कम से कम 10 बार, फिर धीरे से धीरे छोड़ना और यही एक को गोल घुमाना, गोल घुमाना ऐसे, अब उल्टा भी घुमाना, बस इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो बहुत आवश्यक है, घुटने के नीचे ऐसा गोल बनाकर अपना दुपट्टा स्वाची कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो यहां रखना, आप इसको क्या करना है, घुटने से दबाना है, दबाओ ऐसे, दबाया रोका थोड़ी देर, ढीला छोड़ो, दबाओ ढीला छोड़ो, एक घुटने एक ही घुटने पर ढीला छोड़ो, दबाओ ढीला छोड़ो, इसको दबा के रखना 5-6 सेकंड, इसके बाद ढीला छोड़ना, फिर दबा के रखना, फिर ढीला छोड़ना, ठीक है। तो ये घुटने की एक्सरसाइज कम से कम 10 बार और दिन में तीन बार घुटने वाले को, क्योंकि घुटने का कारण वैसे बढ़ना भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, तो उसको अधिक फ्लूइड की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये घुटने का हो गया, तो कमर का मैंने चीज बताई और ये घुटने की चीज बताई, अब कुर्सी पर बैठे बैठे कैसे करें आपको मैं कराता भी हूं और सिखाता भी, ठीक है।